थाने वाले कोई वो नहीं करा जी मेरे साथ। थाने वाले तो मैं पहले इसमें गया हूँ यहाँ सिटी थाने में, सिटी में बोले वहाँ जाओ चौकी थाने में, चौकी थाने में सब्जी मंडी वाले, सब्जी मंडी वाले में लाखन बाजरे जाओ, लाखन बाजरे वाले वापिस भेज देते हैं, फिर सिटी वाला भेज देता है किला रोड वाई पे। क्या किया प्रशासन, कुछ नहीं भाई जब कल रात को रिपोर्ट, पूरी रात पर घूमते रहे, पूरी रात मेडिकल में एक एक बेड के ऊपर घूमे, तीनों हमने डेड बॉडी कंपार्टमेंट में एक एक बॉडी को चेक कर लिया, कभी कुछ नहीं, किसी ने एफ आई आर लिखी। जब हमने हमने फोन करवाया दीपेंद्र हुड्डा का या एसपी ऑफिस से, उसके बाद जाके लाखन बाजरा वाले ने हमारी एफ आई आर दर्ज करी है। अब 4 बजे फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हो डीएसपी महेश खुद जो है मामले तफ्तीश करते हुए नजर आने लग रहे हैं। एफएसएल की टीम भी जो है बुला ली गई है और पूरे मामले की तफ्तीश कर ली गई है, परिजन आ गए हैं, लेकिन तफ्तीश जो अभी चल रही है। अभी तस्वीरों में दिखा दूं, एक चाकू जो जरूर तजरूर ऑन द स्पॉट बरामद होया है, लेकिन ये अभी कन्फर्म नहीं है ये चाकू जो इस घटना से जुड़ा हुआ है या नहीं है, लेकिन एक चाकू जरूर तो जरूर। भाई फिलहाल रोहतक की एमडीयू के बैक साइड हम लोग खड़े हैं, दिल्ली बाईपास तक कनेली रोड पर एक जो डेड बॉडी है वो यहाँ मिली है। एसएचओ प्रमोद, पीजीआईएम स्थानीय एसएचओ प्रमोद और रोहतक से डीएसपी महेश जो वो मौके के ऊपर मौजूद, तमाम आला अधिकारी जो मौके के ऊपर मौजूद है। लखन मजरा थाने का मामला जो है बताया जा रहा है, परिजन मौके पर पहुँच गए हैं, उन तभी बात करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। बुजुर्ग है 70-80 साल के करीब के, उनकी एक बॉडी जो हवा मिली है। प्रिजनाथ बात करें भाई साहब मेरा नाम कुलदीप सिंह है। अच्छा। मैं मुख्य शिक्षक के पोस्ट पर यहाँ रोहतक पाड़ा मोहल्ला के अंदर कार्यरत हूँ। कल मेरे पिताजी बुखार की दवाई लेने हेतु रोहतक के लिए आए हैं ऑटो में बैठ के। कहाँ से? गांव चांदी से, चांदी गांव से ऑटो में बैठ के, और यहाँ ऑक्सीजन हॉस्पिटल के आगे यहाँ चक्कर आया, क्या कुछ हुआ एक बार फुटेज में हमने देखा है, वहाँ बैठे फुटेज में देखा है वहाँ बैठते हैं, थोड़ा हटे डावे हैं, एक ऑटो आता है वो एकदम से उठा करके और बैठा के ऑटो में जल्दी है भाग जाता है वहाँ से। उसके पश्चात हमने अपने स्तर के ऊपर, जब मेरे पिताजी घर नहीं पहुँचे थे, अपने स्तर के ऊपर मैंने खूब कोशिश की, पूरा परिवार मेरा साथ लग गया है। हम रात के 1:30-2 बजे तक, हम 11:22 पर लाखन बाजरा पुलिस चौकी में भी गए, पहले हम सदर में गए जो पुराना बस स्टैंड के ऊपर है उसमें गए, पहले कहाँ गए थे? पहले हम सिटी में सब्जी ये इसमें सिटी थाना जो पुराना बस स्टैंड के अंदर है, उसने कहा कि हमारा केस नहीं बनता, पुरानी सब्जी मंडी का केस बनता है, उसमें जाए आप। हम वहाँ गए, वहाँ पर ये धमका के बोलता है वो एसएचओ जो भी वहाँ थे, दो बैठे थे दोनों के दोनों, ये कहते हैं कि हमारा अगर यहाँ कैसे आ गए, अगर बम्बे में कोई चीज़ खुदती है तो बम्बे वाले ढूंढेंगे, हम कैसे ढूंढेंगे, जहाँ से निकला वहीं एफआईआर करवाओ। हम जा कर के रात को 11:22 पर, मेरी लोकेशन देख सकते हो आप, 22 मिनट पर हम गए लाखन बाजरा पुलिस चौकी में, वहाँ एक एएसआई राजेश, उसको कहा, उसने कहा जी ठीक है सुबह एफआईआर कर लूँगा मैं। वापिस आए हम, सुबह फिर पता चला, एक फुटेज के लिए पता चला, मैंने वापिस आया सारी, कहाँ पे मिली फुटेज आपने? फुटेज बताता हूँ, चिराग चाप वाला है उसके पास से हमने फुटेज मिली है, किसी बंदे का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे कल एक बुजुर्ग यहाँ से गिरा था, ऑटो में लेके गया, उसको ऑटो में लेके गया है, तो वहाँ हमने आ कर के वापिस अपने वो फुटेज चेक करिए, फुटेज मेरे पास है। फिर हमने मेडिकल के अंदर, सिविल हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हर जगह चेक किया है, मैंने डेड हाउस भी चेक कराया जाके पर्सनली अपने तौर पे, कहीं पर भी कोई पुलिस ने कोई मदद नहीं करी जी, पुलिस ने वापिस मेरे को धमकाया गया। लखन माजरा थाने में भी आज सुबह गया हूँ रिपोर्ट कराने के लिए, लेकिन नहीं करी मेरी रिपोर्ट, वापिस एसपी ऑफिस में गए हम, कभी तो इसके अंदर
किला चौकी के अंदर भेज देते हैं कि वहाँ का है। एसपी ऑफिस में बाहर एक बंदा था, उसका नाम मैं नहीं जानता, उसने रीडर से बात करी है, वीर सिंह उन्हें अपने रीडर से बात करी, रीडर ने फोन किया, मैंने ये कहा कि मेरे को ये बता दो कहाँ FIR करवानी, मेरा थाना कौन सा लगता है, मेरे को यही नहीं पता, कोई कहीं भेज देता। तो उसने कहा, फोन करके पूछा कि कहाँ भेजे आपको, उसने कहा लाखनवाड़ा थाना के अंदर जाऊँ, लाखनवाड़ा 3:15 के करीब हमारी FIR हुई है। किस प्रकार तक पता लग गया कि FIR? मेरे बेटे का फोन, मेरे दीपेंद्र हुड्डा ने फोन किया है, तब जा करके मेरी FIR दर्ज हुई है। उसके पश्चात FIR वहाँ पर भी हमारे साथ थोड़ा मिसबिहेव किया गया है, हमारे साथ ही है प्रिंसिपल, इसके साथ भी अभद्र सा व्यवहार किया गया। अभी कैसे पता लगा? मेरे को पता चला, मेरा बेटा, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे सारा शहर के अंदर घूम रहे थे, मैंने कहा मैं FIR करवाने जाता हूँ, तुम तलाश करो। आपने देखी वोडी? जी सर। यहाँ पर क्यों कर मेरा पट्टी कैसे कर? मैंने फोन किया 4 बजे PGI चौकी में गया था ये पूछने के लिए आपके पास कोई अननोन वगैरह केस आया जो कोई इस तरह का, या मिसिंग वगैरह की कोई सूचना आई हो, वो भले भाई अपना नंबर लिखवा जा, कुछ भी सूचना होगी तो हम आपको बता देंगे। तो फिर हम शहर वगैरह में सुनसान इलाके में ढूंढने लगे, या नहर के पास भी, दो भाई नहर के पास जा रहे थे, दो गवाना रोड की तरफ गए हुए थे, हम जिंद भाई पास और उधर थाने से फोन आया कि भाई हमारी एक PCR इधर दिल्ली बाईपास से जज रोड की तरफ है भाई, वहाँ जाके वहाँ बॉडी मिली है, हो सकता भाई आपके दादा हो या कोई भी हो। आपको किस टाइम पता लगा इसका? अभी 1 घंटा 1.5 घंटे पहले से। 1.5 घंटे पहले तो आपके दादा हैं? हाँ। क्या नाम था? रामचंद्र। के कुछ शक है परिवार में? क्या के शक है परिवार ने, क्या हो सकता है बता देगी जी क्या है शक? ये देखो कितने चोट के निशान है, नीला होया पड़ा है, बताओ मर्डर लग रहा है जी मेरे को, स्पष्ट तौर पर मर्डर लग रहा है। और कोई इस बात का मैं नहीं बता सकता, जितना अगर पुलिस प्रशासन तफ्तीश करे टाइमली होता तो शायद मेरे पिताजी बच जाते। उनको हमने सुबह ही दिखा दी थी फुटेज के, भैया हमारे पास ये फुटेज है, आप हमारे दुर्गा भवन के उसके ऑटो का नंबर निकलवा दो, किसी ने कुछ नहीं किया, इनका आपस में थाने वालों का आपस में झगड़ा चलता रहे, सब किसी के ऊपर नहीं है, लेकिन हाँ थाने वालों का आपस में झगड़ा चलता है। पैसे वगैरह थे इनके पास? अभी मिले कुछ? आपने जरूर कुछ नहीं, कुछ भी पैसा नहीं है सर के ऊपर, 3 चोट के निशान है, अंगूठी गायब है, घड़ी गायब है, पैसे लूटपाट का अंदेशा है? हाँ लूटपाट और मारपीट का है, चोट वगैरह लगी है, चश्मे वगैरह थे वह नहीं है। फिलहाल प्रशासन जो हूँ तभी हम बात करेंगे, DSP महेश और SHO प्रमोद जो मौके पहुंचे हैं उन तक भी हम बात करेंगे, उनका कुछ कहना इस पूरे मामले लेके, जिस प्रकार तो परिजन बताऊंगा कि लूटपाट भी हो सके है और मर्डर तो इनका कहना है, विश्वास है जेब बेफटी हुई है, लूटपाट तो है ही, सारे कपड़े फटे पड़े हैं, नीला मार रखा सर। चलो फिलहाल जो आगे की तफ्तीश होगी तो आपने दिखाते रहोगे, लेकिन फिलहाल आपने बता दें रोहतक में MDU के बैक साइड जो कनेली रोड है उसके ऊपर एक डेड बॉडी मिली है, परिजन मौके पहुंच गए हैं, 112 की टीम भी मौके पहुंची और तमाम प्रशासन जो है वो मौके पहुंचा है, स्पेशल यूनिट के भी वेट की जाने लग रही है। फिलहाल तस्वीर हम देख सको 112 की टीम जो कि मौके पहुंची, जिस दौरान प्राथमिक रिपोर्ट जो हो गई थी उसके बाद SHO PJMS रोहतक वे बुलाए गए हैं, DSP महेश आए हैं, जो एरिया के DSP वो आए हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर ले, हाँ जिनके पास सबसे पहले प्राथमिक रिपोर्ट जो हो गई थी 112 की टीम जिसके पास फोन गया था। सर नमस्कार। नमस्कार, विजेंद्र सिंह। अच्छा क्या कुछ अपने द्वारा खबर आई थी सबसे पहले, क्या कुछ कॉल आई थी? डेड बॉडी पड़ी हुआ। किसकी कॉल आई थी? वो राहगीर था चलता हुआ। अच्छा उसको कैसे पता लगा? वो अंदर बाथरूम करने गया था, उसने देखा। अच्छा, अभी वो जा चुके? वो तो काफी देर हो गई। अच्छा अच्छा ठीक है जी, ठीक। तो फिलहाल तक जो है इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, बाकी पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन तक हम बात कराएंगे और जो भी परिवार है उन तक भी हमें एक बार जो है बात कराएंगे, लेकिन फिलहाल देख सको हो तस्वीरों में किस प्रकार का परिवार बड़ा ही दुखी नजर आ रहा है। फिलहाल FSL की टीम जो है वो मौके पहुंची है, FSL के जो ऑफिसर हैं सरोज दहिया वो फिलहाल देख सको तस्वीरों में आप मौके के ऊपर पहुंची हैं, DSP मौके के ऊपर महेश मौजूद हैं और अभी तफ्तीश जो है FSL यूनिट की शुरू हो चुकी है। जी सर, क्या सूचना मिली?
आज कंट्रोल रूम के द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी, एक झज्जर रोड पे लेफ्ट साइड में एमडीयू का जो ग्राउंड है उसके अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो उसकी सूचना पा के मौके पे पहुँचे हैं तो एक पता लगा है, एक बुजुर्ग आदमी जो चांदी गांव से कल दवाई लेने के लिए रोहतक के लिए आया था और जिसकी एज कम से कम 70-75 साल है, जिसके संबंध में 340 IPC कल थाना लखन माजरा में मुकदमा दर्ज है। तो और मौके पे साइबर एक्सपर्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुला लिया गया है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए PGI में भिजवा दिया है और पोस्टमार्टम के बाद जैसे भी जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह से परिवार वाले आरोप लगा रहे थे लोग बाद हत्या यहाँ सब फेंका गया, पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग जाएगा, जो ये तो इंक्वायरी का विषय है, उसके बाद ही जो हाँ वो सब जो नई इंक्वायरी करेंगे जांच करेंगे जैसे भी कार्रवाई होगी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए चार थानों का चक्कर काटते रहे। इस संबंध में मैं नहीं बता सकता, इस संबंध में मुकदमा दर्ज है थाना लखन माजरा, मुकदमा आज जो ना दर्ज हुआ है लखन माजरा बता दिया आपको, थाना लखन।